तो दोस्तों मैंने अपने गेम में मल्टीप्लेयर मोड को ऑन कर लिया है, जो कि आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। मल्टीप्लेयर मोड ऑन होने के बाद आप सभी लोग एक बाइक पर दो बंदे को बिठाकर चला सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं, मैंने अपने गेम में मल्टीप्लेयर मोड को ऑन कर लिया है, जिसके लिए आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि इस गेम में मल्टीप्लेयर मोड को ऑन करके दिखाओ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर मल्टीप्लेयर मोड को ऑन कर लिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मल्टीप्लेयर के न्यू अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ और न्यू बाइक्स और न्यू कार के न्यू अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों की टाटा हैरियर के न्यू अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, स्विफ्ट डिजायर के न्यू अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, सुपर स्प्लेंडर के न्यू अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ और अपाची के न्यू अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके लिए आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि इस गेम को हम सभी लोग मल्टीप्लेयर मोड में कैसे खेल सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ कैसे खेल सकते हैं और इसके न्यू अपडेट में कौन कौन सी कार को ऐड किया जा रहा है और कौन कौन सी बाइक को ऐड किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि आप सभी लोग इस गेम को मल्टीप्लेयर मोड में कैसे खेल सकते हैं और इसके न्यू अपडेट में कौन कौन सी कार को ऐड किया जा रहा है, कौन कौन सी बाइक को ऐड किया जा रहा है। तो दोस्तों इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना, तभी आप सभी लोग इस गेम को मल्टीप्लेयर मोड में खेल पाएंगे और टाटा हैरियर कार को ले पाएंगे, स्विफ्ट डिजायर को ले पाएंगे, सुपर स्प्लेंडर को ले पाएंगे और अपाची बाइक को ले पाएंगे। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं गेम से रिलेटेड ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप सभी के लिए ऐसी वीडियोस में लाता रहता हूँ। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप सभी लोग इस गेम को मल्टीप्लेयर मोड में कैसे खेल सकते हैं और न्यू बाइक्स को कैसे ले सकते हैं और न्यू कार को कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप सभी लोग इस गेम को मल्टीप्लेयर मोड में कैसे खेल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रोहित गेम स्टूडियो ने बताया कि इसके न्यू अपडेट में NPC और गन को ऐड किया जा रहा है, यानी कि इसके न्यू अपडेट में आप लोगों को न्यू गन देखने को मिलेंगी और न्यू NPC देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लेयर की। तो दोस्तों इस गेम को आप सभी लोग ऑनलाइन तो नहीं खेल पाएंगे, पर आप सभी लोग नेक्स्ट अपडेट में हो सकता है बंदे को इस तरह से बिठा कर खेल पाएंगे। और दोस्तों बात करें इसमें न्यू बाइक और न्यू कार की, तो दोस्तों इसका न्यू अपडेट आप लोग को 1 जनवरी को देखने को मिल जाएगा, जो कि आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग कोई भी बाइक और कोई भी कार ऐड कराना चाहते हैं, जैसे कि टाटा हैरियर ऐड कराना चाहते हैं, स्विफ्ट डिजायर ऐड कराना चाहते हैं और सुपर स्प्लेंडर बाइक को ऐड कराना चाहते हैं या फिर अपाची बाइक को ऐड कराना चाहते हैं, तो उसका कमेंट इस वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि इसके न्यू अपडेट में आपकी फेवरेट बाइक और फेवरेट कार भी ऐड हो सके। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।